हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ प्रगति। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मंदिर की डेकोरेशन जो बिल्कुल सिंपल और इजी है। ये मैंने दिवाली पर की थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। इस टाइप की डेकोरेशन आप अपने घर में गणेश चतुर्थी पे, दुर्गा पूजा पे, नवरात्रि पे या फिर कृष्ण जन्माष्टमी पे या फिर आपके नए घर का गृह प्रवेश हो तो इस टाइप की डेकोरेशन आप मंदिर के लिए कर सकते हैं। इस डेकोरेशन को करने से आपको दीवार पर एक भी छेद नहीं करना पड़ेगा और ना ही टेप लगानी होगी, जिससे कि आपकी दीवार भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप इस टाइप की डेकोरेशन अपने घर में कर सकते हैं मंदिर की। तो ये डेकोरेशन हमने कैसे किया, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मंदिर के बेस को रेडी करने के लिए जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये चौकी, और ये जो मेरे पास बॉक्स आप देख रहे हैं लंबा सा, ये एक स्पीकर का बॉक्स है। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो इसकी जगह पे कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल हो। और चौकी की जगह पे अगर आपके पास चौकी नहीं है तो उसकी जगह पे भी साइड में आप कार्डबोर्ड के कोई भी बॉक्स स्क्वायर शेप के लगा सकते हैं। और जो ये बॉक्स है और ये चौकी है, इसको कवर करने के लिए मैं दुपट्टे का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहला जो दुपट्टा मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑरेंज कलर का दुपट्टा है, और ऊपर से फिर मैंने एक रेड कलर का दुपट्टा लिया है। जो नीचे दुपट्टा मैंने लिया है वो इसलिए लिया है जिससे कि हमारा जो बॉक्स है वो कवर हो जाए और वो दिखाई ना दें। जो दुपट्टे के कलर हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ये मंदिर रेड कलर में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो येलो कलर या ग्रीन कलर में भी अपने टेम्पल को बनाकर रेडी कर सकते हैं। इसमें आप दुपट्टे को कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, जैसे कि रेड और येलो या फिर ग्रीन और येलो या फिर रेड और ग्रीन, तो डबल शेड का टेम्पल आपका रेडी हो जाएगा। तो अभी तक मैंने इस टेम्पल को बनाने के लिए, इस डेकोरेशन को करने के लिए कोई भी टेप या फिर कोई भी कील का यूज़ नहीं किया जो मैंने वॉल पर लगाई हूँ, तो इससे आपकी वॉल भी ख़राब नहीं होगी और आपका जो मंदिर है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जस्ट मैंने ऊपर थोड़ी सी लाइटिंग कर दी है, अगर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लाइटिंग और ज़्यादा भी रख सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास एक ये पर्ल में वेस्ट चेन है, यानी कि जिसको कमर वाली बेल्ट भी कहते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लगा ली। अगर आपके पास कोई फूलों वाली माला या फिर मोती की कोई माला हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन को थोड़ा सा लुक देने के लिए मैंने ये आम के पत्तों वाला जो ऊपर फ्लावर है वो यूज़ किया, और एक बीच में गोल्डन कलर के फ्लावर का यूज़ किया है। और जो मेरा ये बॉक्स है उसका जो दुपट्टा है वो नीचे से काफ़ी हिल रहा था, तो उसको मैंने डबल वाली जो टेप होती है उसे फिक्स कर दिया है, जिससे कि वो बॉक्स में अच्छे से चिपक गया है। और यहाँ पर भी मैंने एक गोल्डन कलर के फ्लावर का यूज़ किया है। पर जो मैंने ये सर्कल शेप में फ्लावर लगाया है, ये मैंने फ्लावर और आम के पत्तों से बनाया है, क्योंकि मंदिर में आम के पत्ते काफ़ी शुभ माने जाते हैं। और ये फ्लावर भी मैंने अपने वीडियो में बनाकर बताया है कि मैंने इसको कैसे बनाया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और ऊपर आई बटन में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, और वीडियो के एंड में भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो। उसके बाद मैंने यहाँ पर दो कलर के फ्लावर लिए हैं, एक वाइट कलर का और मैरून कलर का। जो चौकी के बीच की लाइन है उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लावर लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, वो भी फ्लावर से बना रही हूँ। तो जो ये पूरा जो डेकोरेशन है हमारा बहुत कम मटेरियल में बनकर रेडी हो जाएगा, और इसके लिए भी बहुत कम फ्लावर का यूज़ होगा। मंदिर की डेकोरेशन को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, बहुत ज़्यादा हैवी लुक नहीं दिया है। ईजी होने की वजह से ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे आगे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये ग्रीन कलर के रंगोली कलर का यूज़ किया है। फ्लावर से बनाकर जो बेस मैंने रेडी किया था ग्रीन कलर से, हम उसी की आउटलाइन करेंगे। इस टाइप की मंदिर की डेकोरेशन आप अलग अलग फेस्टिवल्स पर अपने तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी पर यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए, या फिर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर भी इस टाइप का मंदिर बना सकते हैं, उस वहाँ पर कृष्ण जी का झूला रख सकते हैं, और नवरात्रि में भी इस टाइप की पूजा कर सकते हैं वहाँ पर दुर्गा जी की मूर्ति रखकर। हर बार मैं फेस्टिवल्स पर वॉल पर यानी कि दीवार पर डेकोरेशन करती थी, तो उसके बाद जब मैं वो डेकोरेशन हटाती थी तो मेरी पूरी वॉल ख़राब हो जाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार इस टाइप की डेकोरेशन करते हैं, जिससे कि आपकी जो घर की दीवार है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अपनी वॉल वाली प्रॉब्लम को माइंड में रखकर मैंने ये सारी डेकोरेशन की है, तो इस बार मेरी कोई भी वॉल ख़राब नहीं हो, और ये डेकोरेशन भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है देखने में। अगर आपके पास भी डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है और आपको डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टाइप की इजी डेकोरेशन अपने घर पर कर सकते हैं। दो तीन दुपट्टे और कार्डबोर्ड के बॉक्सेस से आप ये डेकोरेशन कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं अपने घर पे। और अगर आपको रंगोली बनाने का बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से बनने वाली रंगोली मैंने इसमें बताई है, बहुत ही ईजी और जल्दी बन जाती है, आप अपने घर पर बना सकते हैं।
उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पर ये रानी कलर के डॉट्स और ग्रीन कलर के डॉट्स बनाए हैं। जो रानी कलर के डॉट्स हैं उसको हम एज इट इज़ रखेंगे, और जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं उसको मैंने एक पेंसिल के थ्रू पत्ती का शेप दे दिया है। अगर आपके भी घर में मेरी तरह छोटे बच्चे हैं और आपको मंदिर की डेकोरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, और बच्चे थोड़ा ज़्यादा परेशान करते हैं जब भी आप कोई भी डेकोरेशन करते हैं, जैसे कि मेरी बेटी को आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस टाइप की जो मंदिर की डेकोरेशन है आप अपने घर में इजीली बनाकर रेडी कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो आप देखिए मंदिर की डेकोरेशन का फाइनल लुक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।